तो यूपीपीसीएस का सवाल, प्रयागराज में बवाल। यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा के छात्रों की समस्या को लेकर इंडिया न्यूज लगातार कवरेज कर रहा है। उनकी मांगे क्या है, ये हम योगी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या का हल कैसे निकले, इंडिया न्यूज इसी मुहिम में लगा है। आज उत्तर प्रदेश में हजारों छात्रों ने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया। प्रयागराज की सड़कों पर हजारों की संख्या में छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये सभी पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र थे, जिन्होंने यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लेकिन ये हालात क्यों बने, सवाल कई हैं। दरअसल यूपी सरकार ने पहली बार यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा को दो दिन में करवाने का फैसला किया और डेट घोषित कर दी। तारीख सामने आने के बाद अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया। नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था मेरिट बनाए जाने के नुकसान बताने लगे। इधर फैसले को लेकर आयोग का अपना तर्क है। इन सब के बीच अभ्यर्थियों ने प्रयागराज में बड़ा प्रदर्शन किया। छात्रों ने नारे लगाए, नॉर्मलाइजेशन कुछ भी नहीं, बस बैकडोर का धंधा है। तख्तियों में स्लोगन लिखे, नॉर्मलाइजेशन में किस्मत 100%, योग्यता 0%। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को तितर बितर किया। सवाल है कि आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या है, विरोध में अभ्यर्थियों के तर्क क्या हैं, कैसे ये पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा को प्रभावित करेगा, कैसे तय होगा कौन सा पेपर कठिन और कौन सा सरल है, आयोग को दो दिन परीक्षा करवाने की जरूरत ही क्यों आ पड़ी। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में हजारों छात्र सड़कों पर उतर गए, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। यूपी लोक सेवा आयोग के ऑफिस को घेर लिया गया। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों का यह आक्रोश इसलिए क्योंकि यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की प्री परीक्षा 7 और 8 जबकि आरओ एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को रखी है। दोनों परीक्षाएं दो दिन में होंगी। आयोग ने पहली बार नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइज्ड स्कोर की प्रक्रिया लागू की है। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, वन डे और वन पेपर की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग की यही मांग है आयोग से कि वन डे वन शिफ्ट, एक शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए। नॉर्मलाइजेशन हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी नॉर्मलाइज अगर दो शिफ्ट में पेपर करवाते हैं तो उसमें किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन करेंगे, इसका कोई क्राइटेरिया तय नहीं है अभी। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए दो नहीं चार पेपर का नॉर्मलाइजेशन करना होगा, दो पेपर जीएस का और दो पेपर सीसेट का, और सीसेट के पेपर में सबसे बड़ी समस्या आएगी नॉर्मलाइजेशन करने की, क्योंकि वो क्वालिफाइंग होता है और वो प्रायः लड़के फेल हो जाते हैं। और जीएस में नॉर्मलाइजेशन क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या मानक रहेगा, इसलिए हम लोगों की यही मांग है कि यूपी पीसीएस परीक्षा और आरओ एआरओ की परीक्षा एक दिन में और एक शिफ्ट में आयोजित की जाए, जो कि आयोग मानने वाला नहीं, अभी तक माना नहीं। हम लोग यहां आंदोलनरत रहेंगे, रात भर बैठे रहेंगे अगर आयोग नहीं माने। यूपी बिहार समेत कई राज्यों से आए परीक्षार्थियों ने आज प्रयागराज में उग्र प्रदर्शन किया। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई, जिससे उनका गुस्सा और भड़क गया। 3 महीने में सर इतना बड़े देश का चुनाव हो जा रहा है, प्रधानमंत्री बन जा रहा है, और ये आप जो है कि 6 महीने में एक बाबू नहीं बनवा पा रहे हैं। यहाँ लोक सेवा आयोग सर पता नहीं क्या है, स्वास्थ्य कुंभ का आयोजन, इतना बड़ा आयोजन होगा, 10-10 करोड़ लोग एक दिन में नहाएंगे। 75 जिले हैं सर, 75 जिले हैं, 75 जिले में आप चुनाव करा ले रहे हो, 41 जिलों में आप जो है कि क्या नाम है कि पेपर कराने के लिए जिला अधिकारी से तुम जो है कि सेंटर मांग रहे हो। 10 किलोमीटर तक कानून का शासन है क्या, सिर्फ 10 किलोमीटर तक ही जो एसओपी में प्रेस्क्राइब किए हैं, क्या सिर्फ 10 किलोमीटर तक ही कानून का शासन है, 10 किलोमीटर के दायरे में आगे नहीं है। 41 जिले उत्तर प्रदेश में आते हैं, अगर उसको 15 किलोमीटर बढ़ा दें तब भी सारे बच्चों का एग्जाम हो सकता है। छात्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं, आयोग से नॉर्मलाइजेशन का फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या नॉर्मलाइजेशन का फैसला वापस होगा। कुछ छात्र आए हैं जो अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। सभी छात्रों को समझा बुझा के जो चिन्हित धरना स्थल है
जो धरनास्थल चौकी अंतर्गत थाना सिविल लाइन आता है वहां पे जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। काफी छात्र वहां पे चले भी गए हैं और भी जो छात्र यहां पे आए हुए हैं उन सबको भी यही बताया जा रहा है कि वो चिन्हित स्थल पे जाएं और शांतिपूर्वक और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखें। उनकी बात जो है वो उच्च स्तर पे रेज की जाएगी और सब तक पहुंचाई भी जाएगी। छात्रों को आश्वासन तो मिला है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे छात्रों का गुस्सा कम होगा? क्या छात्रों के आक्रोश को देखते हुए यूपी लोक सेवा आयोग अपना फैसला वापस लेगा?